नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओकापी व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पेड़ों को सुखाने के एक नए और सबसे कामयाब तरीके के बारे में। दोस्तों इसमें आपको जरूरत पड़ेगी यूरिया खाद और नमक की। दोस्तों यह है यूरिया जो कि एक कीटनाशक है, और यह है नमक जो कि हम घरों में यूज करते हैं। दोस्तों वैसे तो हमें पेड़ नहीं सुखाने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई पेड़ हमारे घर के पास में होता है जिससे हमारे घर को नुकसान हो रहा होता है और हमारा घर गिरने का डर रहता है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई खेत में पेड़ है तो उसके आसपास की फसल नहीं हो पाती क्योंकि पेड़ अपने आसपास के मिट्टी से नमी खींच लेता है जिससे उसके आसपास की फसल नहीं हो पाती और किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है, या कई बार बिजली के तारों के पास में कोई पेड़ होता है जो कि तारों को छू रहा होता है जिससे कि करंट आने का खतरा बना रहता है। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऐसे किसी पेड़ को सुखा रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप उस पेड़ की जगह एक या दो पेड़ जरूर लगा दें, क्योंकि उससे ही प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और हमारा जीवन भी बचा रहेगा, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है, इसलिए हम बोलते हैं पेड़ ही जीवन है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी यूरिया खाद और नमक की। दोस्तों यह यूरिया एक कीटनाशक है जो कि हमें खाद बीज भंडार पर मिलेगी। खाद बीज भंडार क्या होता है, जो किसान भाई होते हैं उनको तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जहाँ से किसान भाई अपने लिए खाद बीज कीटनाशक दवाइयाँ आदि खरीदते हैं उस दुकान को खाद बीज भंडार कहते हैं। यह दुकान आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और इस दुकान पर मिलेगी आपको यूरिया खाद। दोस्तों यूरिया खाद 40 से 50 किलोग्राम की भर्ती के रूप में आता है। एक गट्टा आता है जो लगभग 300 रुपए का आता है, जैसे 270 या 280 रुपए का आपको मिल जाएगा। दोस्तों किसी नॉर्मल पेड़ को सुखाने के लिए 5 किलोग्राम यूरिया काफी होती है, लेकिन एक बड़े विशाल पेड़ को सुखाने के लिए लगभग आपको 10 किलोग्राम यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी। 5 किलोग्राम नमक और 10 किलोग्राम यूरिया को मिक्स कर लेना है। हाँ जी दोस्तों, घर में खाने में डालने वाले नमक और 10 किलोग्राम यूरिया को मिक्स कर लेना है। आप हो सके तो नमक और यूरिया अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। लेकिन उससे पहले कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि हमें नीम का पेड़ सुखाना है, पीपल का पेड़ सुखाना है या आम का पेड़ सुखाना है। तो दोस्तों इन पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ विशेष पेड़ों को सुखाने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग पेड़ों को सुखाने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। आपको कौन सा पेड़ सुखाना है उसके लिए आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों एक और बात कि कुछ दोस्त बोलते हैं कि आप इसका प्रैक्टिकल करके बताओ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता क्योंकि गड्ढा खोदने और जड़ काटने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में और सावधानियां भी जरूर बताऊंगा। सबसे पहले उस पेड़ के एक तरफ या चारों तरफ थोड़ा गड्ढा खोद लीजिए और पेड़ की जड़ों को थोड़ा थोड़ा काट दें। पेड़ की जड़ों को थोड़ा थोड़ा काटना बहुत जरूरी है, आप ज्यादा नहीं तो कुछ जड़ों पर ही थोड़ा थोड़ा कट जरूर लगा दें, और फिर उस गड्ढे में आप नमक और यूरिया का मिश्रण डाल दें और फिर उस गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दें। आपको 3 से 4 दिन के बाद में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि वह पेड़ सूखने लग गया है। और दोस्तों इस विधि में कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें, जैसे कि यूरिया खाद डालने के बाद उस पर मिट्टी जरूर डाल दें, और दूसरी बात कि उस खड्डे में पानी ना डालें और बारिश का भी ध्यान रखें। नमक और यूरिया डालने के बाद बारिश हो गई तो वह पेड़ नहीं सूख पाएगा, पेड़ की जड़ों को भी पानी नहीं मिलना चाहिए, मतलब कि पेड़ में भी पानी नहीं डालना है, इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि उस पेड़ को किसी भी तरीके से पानी मिल गया
तो वह पेड़ नहीं सूख पाएगा। और तीसरी बात यह है कि जड़ों पर थोड़ा कट जरूर लगा दें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ओकापी व्लॉग्स जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।